हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। सबसे ज़्यादा आप इसकी डिमांड कर रहे थे, तो हमने भी आपकी डिमांड को प्रायोरिटी देखते हुए सबसे पहले इसी की वीडियोस आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है। चले, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कुछ समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स की। संवैधानिक पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनकम टैक्स को लगाने की क्या है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। सी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 265 क्या कहता है? No tax shall be levied or collected except by the authority of law। मतलब कोई भी टैक्स ना तो लगाया जा सकता है, ना ही उसे कलेक्ट किया जा सकता है, जब तक उसे लॉ की अथॉरिटी नहीं मिलती। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का टैक्स पब्लिक से लेना है तो आपको उसके लिए एक लॉ फ्रेम करना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स जो लिया जाता है वो कौन से एक्ट के थ्रू लिया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेम वे आजकल आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुन रहे हैं, वो भी एक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। एक्साइज है, वो भी एक्ट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। तो आर्टिकल 265 मेक्स इट वेरी क्लियर कि दैट टू लेवी और कलेक्ट एनी टैक्स यू नीड टू मेक द लॉ फॉर दैट। सिर्फ लॉ की अथॉरिटी से ही आप कोई टैक्स कलेक्ट या लेवी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने जिसका लॉ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। समझ में आई बात? अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो क्या निकल के आता है? इफ एनी टाइप ऑफ टैक्स is levied by government for which law does not exist, then it will be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और हमें पता है बहुत अच्छे से, अगर कोई चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसकी वैलिडिटी ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट उसे कलेक्ट नहीं कर सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर आर्टिकल 265 के अंदर है। समझ में आया? अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? ध्यान से देखें। आर्टिकल 246 डिस्ट्रीब्यूट्स या मैं और अच्छा लिखूं इसे, आर्टिकल 246 हमारा डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव मतलब हाँ, कानूनी। डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स, कानूनी ताकतें, इंक्लूडिंग टैक्सेशन। बकायदा लिखा हुआ है इंक्लूडिंग टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन भी उसी का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 246 मेक्स इट वेरी क्लियर कि कौन सी पावर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है, और कौन सी पावर स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास है, दैट इज स्टेट्स के पास है, ठीक है। और इसके लिए शेड्यूल 7 के अंदर बकायदा 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 जो कि बताता है कि यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, कि यूनियन गवर्नमेंट किन किन चीज़ों के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है। लिस्ट 2 बताती है कि स्टेट लेजिस्लेचर किन किन चीज़ों के ऊपर लॉ फ्रेम कर सकती है, और लिस्ट 3 जो कि हमारी बताती है, जो कि है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, वो क्या बताती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास कंबाइंड पावर है टू फ्रेम द लॉ। तो आर्टिकल 246 बेसिकली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग टैक्सेशन बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसके शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में जो कि यूनियन लिस्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, किस तरह के कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। लिस्ट 2 में स्टेट गवर्नमेंट और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट, दैट इज बोथ हैव द पावर्स। इस लिस्ट 1 की जो लिस्ट 1 है, इसकी एंट्री नंबर 82 में, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर जितनी भी इनकम्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें सारी इनकम्स पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसके हाथ में नहीं है। लिस्ट 2 स्टेट लेजिस्लेचर की जो है, लिस्ट 2 के एंट्री नंबर 46 में स्टेट के पास पावर है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम्स की, बट हमें यहाँ पर इसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है, हमें कंसिडर सिर्फ लिस्ट 1 को करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 थ्रू पार्लियामेंट इनेक्ट किया है, उसमें क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इनकम टैक्स लगाया जाता है, वो सारी बातें हमको यहाँ पर करनी है। तो आपने अभी देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, आर्टिकल 265 कि कोई भी टैक्स अगर लेवी या कलेक्ट करना है तो दैट विल बी बाय द लॉ ओनली, अगर लॉ नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आर्टिकल 246 जिसमें 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 82 के थ्रू इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सके, और कंसीडरिंग आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 265 सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1965। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बात करेंगे CBDT के ऊपर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो कि एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो किस तरीके से वर्क करती है, उसके क्या वर्किंग एरियाज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में आपने मेरे साथ इनकम टैक्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या मैं कहूँ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को देखा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इम्पोज कर सकती है। वहाँ हमने डिस्कशन किया आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246 पे। अब हम बात करने जा रहे हैं CBDT के ऊपर। व्हाट इज़ द CBDT? CBDT सबसे पहले स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बड़े ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एग्जैक्टली है क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज द सुप्रीम बॉडी चार्ज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉज। जो डायरेक्ट टैक्स लॉ है, दैट इज यहाँ पर आपका इनकम टैक्स, इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए जो एक सुप्रीम बॉडी फॉर्म की गई है, दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेट करती है। एंड अगर मैं CBDT के मेन काम की बात करूं तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर प्लान पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉस। टू प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ, कि डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ डिलीट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कम्प्लीटली उसके लिए जो इनपुट्स प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वो कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स laws through income tax department, IT department। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, वो सारा का सारा काम भी कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं CBDT के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये तो हो गया ब्रॉडली वर्किंग एरिया ऑफ CBDT। इट्स अ सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए। शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अब CBDT के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो CBDT स्ट्रक्चर के अंदर एक तो हैं आपके CBDT चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। CBDT चेयरमैन प्लस 6 मेंबर्स। जो CBDT चेयरमैन होते हैं उनकी पोस्ट होती है स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। जबकि ये जो 6 मेंबर्स और होते हैं इनकी पोस्ट होती है एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की। ठीक है, अब ये जो 6 मेंबर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं अगर आप जानना चाहें? मैं भी याद करने की कोशिश कर लेता हूं आप ही के बहाने। ठीक है, 1 मेंबर फ्रॉम इनकम टैक्स हैविंग डिटेल नॉलेज ऑफ ऑल द प्रोविजंस। ठीक है, देयर आफ्टर 1 ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कंप्यूटराइजेशन। किसका क्या चार्ज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, किस एरिया के अंदर? रेवेन्यू। देयर आफ्टर पर्सनल एंड विजिलेंस ठीक है। उसके बाद वन फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड वन फॉर ऑडिट एंड जुडिशियल। तो सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज़ का एरिया है, वन फॉर इनकम टैक्स, वन फॉर लेजिस्लेटिव एंड कंप्यूटराइजेशन, वन फॉर रेवेन्यू, वन फॉर पर्सनल एंड विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट एंड जुडिशियल। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है थ्रू बाय इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ठीक है जी। तो आपने मेरे साथ पूरा का पूरा एक सीबीडीटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। जब भी मैं सीबीडीटी बोलूँगा तो आप समझना एक एपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स की, जो कि पूरा का पूरा इनकम टैक्स कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इनपुट्स देना, ठीक है, प्लानिंग करना, एक चेयरपर्सन जो कि स्पेशल सेक्रेटरी पोस्ट पे होंगे गवर्नमेंट की, और जो 6 मेंबर्स हैं उनकी एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की पोस्ट होगी। सबका अपना अपना एक वर्किंग एरिया होगा। उनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के जॉब के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा एक सीबीडीटी के बारे में। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन अपनी करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट जो मैं आपको बता रहा था 1961, ब्रॉडली ये टैक्स किस तरीके से लगाता है, किस तरीके से इम्पोज किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक ब्रॉड व्यू मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपना एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्ट जो है ये इनकम पे टैक्स इम्पोज करता है अंडर 5 हेड्स। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपको जो इनकम अराइज हो रही है वो कौन से हेड में अराइज हो रही है। क्या बोला मैंने कि हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि हमारी जो इनकम अराइज हो रही है वो कौन से हेड में अराइज हो रही है। तो मैं आपको एक ब्रॉड व्यू देता हूँ कि कौन कौन से हेड हैं और उसमें किस तरह की इनकम्स आती हैं। इट्स जस्ट अ ब्रॉड व्यू, लेटर ऑन हम इन्हें इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो एक्ट इम्पोजेस टैक्स ऑन इनकम अंडर 5 हेड्स। 5 हेड्स के अंदर इनकम पे ये एक्ट टैक्स इम्पोज करता है। वो कौन कौन से एक्ट हैं? सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरीज, या आप बोलिए इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपको सैलरी हेड से इनकम हो रही है, सैलरी हेड के अंदर कौन सी इनकम्स आती हैं? कवर्स इनकम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी आपकी कवर अप होती हैं अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जैसे कि सपोज मिस्टर ए हैं, वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करने से जो उन्हें सैलरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट करने से जो सैलरी उन्हें मिल रही है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर हमारा जो सेकेंड हेड आता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर कौन सी इनकम आती है? कवर्स इनकम्स रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड अपर टेनेंट लैंड, लाइक रेंटल इनकम। सपोज आपकी कोई बिल्डिंग है या उस बिल्डिंग से अटैच कोई लैंड है, बिल्डिंग के आगे जो एक खाली एरिया होता है दैट इज नोन एज अपर टेनेंट। अपर टेनेंट मतलब अटैच्ड। वेकेंट लैंड है वो यहाँ कवर नहीं होती। अपर टेनेंट लैंड जैसे बिल्डिंग है उसके आगे खुला एरिया है, तो अगर आप उस खुले एरिया को लेट आउट करते हो या बिल्डिंग लेट आउट करते हो या दोनों को लेट आउट करते हो, किसी भी तरह की कोई रेंटल इनकम आपके पास आ रही है तो वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल है, अनलेस it is business income. Unless it is business income. बिजनेस इनकम मतलब अब सपोज आपका काम ही यही है, आप करते ही यही है कि प्रॉपर्टी परचेज करी, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, खरीदा बेचा, तो वो आपकी एक बिजनेस इनकम हो गई। उस केस में फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल नहीं होगी, वो आपकी चार्जेबल है इनकम फ्रॉम, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स from business or profession, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं PGBP, profits and gains from business and profession. इसके अंदर कौन सी इनकम आएगी? Covers incomes related to बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड आपके पास जितने भी इनकम्स हैं वो सारी की सारी आपकी पीजीबीपी हेड में आती है। कोई भी बिजनेस है आपका, किसी भी तरीके का बिजनेस है, इनफैक्ट हम देखेंगे इलीगल बिजनेस भी है, तो भी आपको पीजीबीपी हेड में उसमें टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स वालों को मतलब नहीं है कहाँ से कमा रहे हो, कमा रहे हो ना टैक्स दो, बस उन्हें इतना मतलब है, ठीक है। तो सैलरी हेड में, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी में, अब जैसे मैं हूँ, मेरा काम मेन टीचिंग है, बट टीचिंग के अलावा अगर मुझे रेंटल इनकम आ रही है तो वो रेंटल इनकम मेरे लिए कहाँ टैक्सेबल होगी? अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है। बट कोई बिल्डर है, उसका मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, खरीदना बेचना है, तो वो अंडर द हेड पीजीबीपी चार्जेबल होगी। फोर्थ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनकम अंडर द हेड सीजीबी बोल देते हैं। ये कौन सी इनकम कवर करता है? कवर्स गेन्स रिलेटेड टू मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी आपको गेन्स हुए, आपके पास गोल्ड है, आपने उसे बेचा, प्रॉफिट हुआ आपको, ठीक है, बिल्डिंग है उसको आपने बेचा, प्रॉफिट हुआ, लैंड बेची, उस पर प्रॉफिट हुआ, तो इस तरह का कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको बेचने पे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी मुनाफा हो रहा है, गेन हो रहा है, वो सीजी में आएगा, अनलेस इट इज बिजनेस इनकम। सेम बात यहाँ पे भी लिखूंगा। हाँ, अगर वो आपकी बिजनेस इनकम है तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पर सुबह से लेके शाम तक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसके अंदर डीलिंग हो रही है, तो वहाँ पर वो एक बिजनेस इनकम है जो उनको प्रॉफिट आ रहे हैं। बट हमारे पास गोल्ड है, मैं गोल्ड बेच के आया, उससे मुझे इनकम हुई, सपोज मैंने 10,000 का गोल्ड खरीदा था किसी टाइम पर और वो मेरा 25,000 का बिक गया, 15,000 का इनकम हुआ, बट इट्स नॉट माई बिजनेस इनकम बिकॉज माई मेन बिजनेस इज टीचिंग। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, माई मेन प्रोफेशन इज टीचिंग। तो वहां पर, यहां पर अगर मैं गोल्ड बेच रहा हूं और मुझे इनकम हो रही है तो वो मेरे लिए तो चार्जेबल है किसमें? कैपिटल गेन्स में। बट ज्वेलरी शॉप है, वहां सुबह से लेकर शाम तक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इसकी ट्रेडिंग हो रही है, उनके लिए जो इनकम आएगी वो उनके लिए कौन से हेड में होगी? पीजीबीपी में चार्जेबल। इन तीनों हेड्स के अंदर, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, अगर जिस चीज में आप डील इन कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे वो आपका बिजनेस है तो वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल होता है, और अगर वो आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है तो फिर वो जाता है हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स के अंदर। होपफुली आपको मेरी ये बात कन्वे हो रही है, ठीक है, बाकी लेटर ऑन हम इस पे और डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ आता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसके अंदर वो सारी इनकम्स आती हैं जो ऊपर चार हेड में कवर अप नहीं हुई। कवर्स इनकम नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड इन अंडर अबव फोर हेड्स। जो आपने ऊपर चार हेड्स पड़े हैं उनके अंदर जो इनकम्स कवर अप नहीं हुई वो सारी आपकी किसके अंदर चार्जेबल है? अदर सोर्सेस, लाइक लॉटरी इनकम। केबीसी में गए, करोड़पति बन गए, वो कहाँ है? वो ना आपका बिजनेस है, ना आपकी कोई प्रॉपर्टी गई, ना आपकी वो हाउस प्रॉपर्टी है, ना आपकी वो सैलरी है। वो कहाँ चार्जेबल है? अदर सोर्सेज के अंदर चार्जेबल है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन जब हम ये चैप्टर करेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगता है कैसे? हमें सबसे पहले अपनी इनकम को डिफाइन करना पड़ता है कि वो कौन से हेड की इनकम है, वेदर इट इज़ ऑफ सैलरी, इट इज़ ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट इज़ ऑफ पीजीबीपी, इट इज़ ऑफ कैपिटल गेन्स और इट इज़ ऑफ अदर सोर्सेज। जिस भी हेड की वो इनकम है उसमें हम उसे डिफाइन करते हैं, फिर उसकी चार्जेबिलिटी के हिसाब से जो भी उस हेड के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से उस पर सारा का सारा इनकम कंप्यूटेशन किया जाता है। और मैं आपको बोलूँ पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आपको पढ़ने ही ये मेन 5 चैप्टर हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेस। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पर हमारा सारा ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम कोई अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इनकम टैक्स के अंदर अपनी डिस्कशन करने जा रहे हैं 4 डेफिनेशंस के ऊपर। ये 4 डेफिनेशंस हैं पर्सन की, असेसी की, प्रीवियस ईयर की एंड असेसमेंट ईयर की। चारों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट, ये चारों डेफिनेशन आपसे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं 3 to 4 मार्क्स के अंदर। और सेकेंडली, आगे जितने भी प्रोविजंस आपको समझने हैं उन प्रोविजंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चारों वर्ड्स आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? पर्सन के डेफिनेशन की। पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पर्सन को कैसे डिफाइन करता है? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा? इंडिविजुअल इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन, माइनर्स, अनसाउंड माइंड, कोई भी अगर है तो वो सब इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर कवर अप होंगे। ये नहीं है कि माइनर है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अनसाउंड माइंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल की डेफिनेशन में कोई भी नेचुरल पर्सन, इनफैक्ट माइनर्स, इनफैक्ट अनसाउंड माइंड, सबको यहाँ पर पर्सन की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको आप शॉर्ट में HUF भी बोल देते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो पर्सन्स की डेफिनेशन में आती हैं। देयर आफ्टर कंपनी, वेदर पब्लिक, प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, सब। देयर आफ्टर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या डिफरेंस होता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक जॉइंट वेंचर हुआ और उस जॉइंट वेंचर में क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट किया मिस्टर A ने, मिस्टर B ने और मिस्टर C ने। ये तीनों उसके को वेंचरर्स हैं। ठीक है, तो ये जो जॉइंट वेंचर हुआ A, B और C में, दिस इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहाँ पे तीनों इंडिविजुअल्स हैं। बट अगर इसी जॉइंट वेंचर के अंदर सपोज एक मिस्टर A है, एक ABC लिमिटेड कंपनी है और एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ एंड एसोसिएट्स, तो अगर यहाँ पर को वेंचरर एक इंडिविजुअल, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ना बोल के हम बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर बेसिकली इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी सब मिलके बन सकता है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे वो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुए या नहीं हुए, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटीज़, जितनी भी आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो भी सारी पर्सन की डेफिनेशन में यहाँ पर इंक्लूड होंगी। कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी भी तरीके के, कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। एंड देयर आफ्टर जो लास्ट कवर अप किया वो क्या? Every artificial judicial person not falling in any above the above category। कोई भी artificial judicial person है, like अगर मैं आपको example दूं इसका, universities, सारी universities जो हैं वो इस category के अंदर आएंगी। मतलब G point जो है वो एक residuary clause लगा दिया कि अगर कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जो कि ऊपर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, उसको भी हम पर्सन की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। बार काउंसिल है, वो भी आपका क्या है, पर्सन है। देखिए पर्सन की डेफिनेशन को डिफाइन करना इनकम टैक्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब टैक्स लगेगा तो किस पे लगेगा, पर्सन पे लगेगा। तो नाउ इश्यू अराइजेस, पर्सन कौन है, पर्सन कौन है, इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। ये तो चार चीजें समझ में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ देयर इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो भी पर्सन है। लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपैलिटी है, वो भी पर्सन है, उसको इनकम हो रही है, उसको भी टैक्स देना पड़ सकता है। कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, यूनिवर्सिटी है, बार काउंसिल है, वो भी पर्सन है। मतलब पर्सन की डेफिनेशन में किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया गया। और सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें यहां पर बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वेदर द इंटेंशन इज टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। मतलब अगर आप कहें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यूनिवर्सिटी या बार काउंसिल है, इनकी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होती, डजंट मैटर एट ऑल। पर्सन के लिए ये मैटर नहीं करता कि इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना है या नहीं। इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब को हमने कैटेगराइज करके बोल दिया कि आप पर्सन हैं। अब इसमें से कोई एक्सक्यूज ले जी हम तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम तो फॉर प्रॉफिट है, डजंट मैटर एट ऑल। वो डिपार्टमेंट अपने आप देखेगा। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है, आपको कुछ कंसेशन देना है, दैट्स अ सेपरेट इशू, अदरवाइज आप पर्सन की कैटेगरी में आ गए। तो पर्सन होपफुली आपको क्लियर है कौन कौन, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी, चार, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनका मिक्सचर हो गया, ठीक है, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लाइक यूनिवर्सिटीज एंड बार काउंसिल। होपफुली आपको डेफिनेशन याद भी होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे बढ़ते हैं, दैट इज द असेसी। आइए देखते हैं असेसी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में ये 4 मार्क्स के अंदर सेपरेटली पूछी जाती है। बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए और समझिएगा, और जैसे जैसे आप इनकम टैक्स करते जाएंगे डेफिनेशन आपको और क्लियर होती चली जाएगी। अभी भी क्लियर होगी और ज्यादा क्लियर होगी जैसे जैसे हम एक्ट में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखो असेसी की डेफिनेशन डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। याद करने की जरूरत नहीं है सेक्शन क्लॉज, आपको सिर्फ सेक्शन 2 याद रखिए। एनी पर्सन, और पर्सन कौन अभी बताया था, बताओ, जी हाँ, पर्सन कौन, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कोई भी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। कोई भी पर्सन जिसको कोई भी टैक्स या कोई भी ऐसा अमाउंट जो इस एक्ट में देना है। अब सबसे पहले यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, एनी टैक्स। एनी टैक्स में क्या, देखो एक तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल पे इनकम टैक्स बनता है, यस और नो, श्योर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? सपोज आपने मुझे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है, आप मेरे कोचिंग सेंटर में आके पढ़ाते हैं, तो जो भी मैं आपको उसके लिए रेम्युनरेशन दूंगा, जो भी मैं आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज की पेमेंट कर रहा हूँ, उस पर मुझे टैक्स कट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज पे TDS नहीं काटूंगा, तो मुझे उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ सकती है, और बहुत सारे नुकसान है जो मैं आगे वक्त के साथ डिस्कस करूंगा। तो मतलब एक तो जो मेरी इनकम आ रही है उस पर मुझे टैक्स देना ही देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे पास टीचर्स आ रहे हैं, जो मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी इनकम, उनको देने से पहले मुझे उस पर क्या काटना है, TDS काटना है। सेम वे कंपनीज के केस में, जब कंपनीज डिविडेंड देती हैं, जब कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करती है उस पे कंपनी को देना पड़ता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT, जिसको एडिशनल इनकम टैक्स भी बोला जाता है। तो ये सारे के सारे टैक्स और डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो वर्ड लिखा एनी टैक्स, एनी टैक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी कोई भी टैक्स, एक तो नॉर्मल इनकम टैक्स, अपार्ट फ्रॉम इट कैन बी TDS, इट कैन बी CDT एंड देयर आर वेरियस टैक्सेस दैट वी विल लर्न अंडर दिस एक्ट। सो एनी पर्सन बाय हुम कोई भी टैक्स देना है, चाहे वो TDS देना है, चाहे वो इनकम टैक्स देना है, चाहे वो CDT देना है, और एनी अदर सम, अब एनी अदर सम में क्या क्या आएगा, इट कैन बी इंटरेस्ट, अगर आपने टाइमली टैक्स जमा नहीं करवाया, इट कैन बी पेनल्टी, हो सकता है गवर्नमेंट ने किसी तरह की आपने टाइमली कंप्लायंस नहीं किया, रिटर्न नहीं भेजी, पेनल्टी लग गई, किसी भी तरह का कोई फाइन लग गया, वो सब कोई भी पर्सन अगर उसने कोई भी टैक्स या इस तरह का कोई भी सम देना है इज पेबल अंडर दिस एक्ट, तो हम उसे क्या बोल देंगे कि वो असेसी है। तो तीन बातें आई, पर्सन, एनी टैक्स और एनी अदर सम, पॉइंट नंबर वन पर्सन, पॉइंट नंबर टू एनी टैक्स, पॉइंट नंबर टू एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल अंडर दिस एक्ट। यहां तक तो डेफिनेशन बहुत सिंपल थी, कोई दिक्कत नहीं। आगे, एंड इंक्लूड्स, अब तीन पॉइंट इसके अंदर स्पेसिफिकली बताए गए हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूसिव डेफिनेशन, एंड इंक्लूड्स मतलब इनको इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। अब इंक्लूसिंग एग्जॉस्टिव दो तरह की डेफिनेशन होती है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता मेरी एक वीडियो है लॉ बेसिक्स, वो देखो आप जाके, बेसिक्स है लॉ के। इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हूम एनी प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, कोई भी लीगल एक्शन, कोई भी लीगल एक्शन अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। सपोज मिस्टर ए है, बहुत अच्छा कमाते हैं, ₹1 की इनकम नहीं दे रहे, ₹1 की इनकम पे टैक्स नहीं दे रहे, उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंट को न्यूज मिली, डिपार्टमेंट ने लीगल एक्शन शुरू कर दिया। तो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, कोई भी लीगल एक्शन अगर किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट इस एक्ट में स्टार्ट कर दिया गया तो वो भी क्या कहलाएगा, असेसी कहलाएगा। अब किस तरह का एक्शन, कौन सा लीगल एक्शन, फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम। अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट का मतलब आप अभी इस लेवल पे समझ सकते हैं कंप्यूटेशन और यू कैन से वैल्यूएशन और यू कैन से एस्टिमेशन, कुछ भी आप इस समय इसका मतलब समझ सकते हैं इस लेवल पे। फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, की उसकी इनकम कंप्यूट करने के लिए, और ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल। मतलब पहले तो बोला सर आपने एनी पर्सन समझ में आ गया, बाय होम एनी टैक्स ये भी समझ में आ गया, कोई भी टैक्स देना है किसी भी तरीके का या कोई सम देना है इस एक्ट में, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट लीगल एक्शन इस एक्ट के अंदर शुरू हो चुका है। किस तरह का लीगल एक्शन, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ हिज इनकम, इनकम चुरा रहा था, गवर्नमेंट को नहीं बता रहा था, गवर्नमेंट ने लीगल एक्शन शुरू कर दिया। या ये क्या है सर, ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और की इनकम का लीगल एक्शन हम पे, वो बड़ा खतरनाक है। ये क्या है, ध्यान से सुनो, ऐसा नहीं है। आप इनकम टैक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे मेरे साथ, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, अब हम हिंदुस्तानी है बहुत अकलमंद, क्या अकलमंद, ध्यान से समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरी बिजनेस इनकम भी आ रही है, बुक्स की रॉयल्टी भी मेरे पास आ रही है, और सपोज मेरी रेंटल इनकम भी आ रही है। अब ऑलरेडी मेरे पास क्योंकि दो इनकम्स हैं, बिजनेस इनकम है और रॉयल्टी, वो तो मेरे नाम पर ही आएगी। अब जो रेंटल इनकम है वो भी अगर मेरे नाम पर आ रही है तो हो क्या रहा है, मेरी टोटल इनकम से बिजनेस इनकम एंड रॉयल्टी मिला के 12 लाख है, ठीक है। अब जो रेंटल इनकम आ रही है वो मेरे पास आ रही है 5 लाख, तो 12 लाख और 5 लाख कितना हो गया, 17 लाख। हमारे इनकम टैक्स में जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी छोटा सा एग्जांपल है, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख तक की इनकम है, 2.5 से 5 लाख पे 10%, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख जहां क्रॉस करता है, जहां क्रॉस करते हैं अपना 30% का टैक्स स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, वो 2.5 लाख से अपना जो 5 लाख है उसमें 5% भी हो गया, तो 10 लाख से ऊपर होते ही वो 30%। आप मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करो अभी। अब हुआ क्या, मैं देख रहा हूँ यार 12 लाख की इनकम ऑलरेडी हो रखी है बिजनेस से और रॉयल्टी से। अब इसमें रेंटल इनकम 5 लाख रुपए की और जोड़ दूंगा तो सीधे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 30%, उस पर 1.5 लाख तो मेरा ऐसे ही निकल गया क्योंकि मैं अपर स्लैब में आ चुका हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी प्रॉपर्टी थी जिससे मुझे रेंटल इनकम आ रही थी वो मैंने फादर के नाम पे ट्रांसफर कर दी, मदर के नाम पे ट्रांसफर कर दी या सिस्टर के नाम पे ट्रांसफर कर दी, और विदाउट एनी कंसिडरेशन मैंने एज ए गिफ्ट उनको वो ट्रांसफर कर दी। और उससे रेंटल इनकम अब जो आ रही है, ओनर कौन है? पेरेंट्स। मैं तो नहीं रहा, अब ओनर कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं। तो अब इनकम जो आ रही है वो किसके नाम पर आ रही है? पेरेंट्स के नाम पे आ रही है। और सपोज पेरेंट्स मेरे अभी तक कोई भी टैक्स नहीं दे रहे, उनकी इनकम जीरो थी। अब होगा क्या, उनकी फाइल बनेगी, 5 लाख रुपए उनकी इनकम दिखेगी, तो पहले 2.5 लाख रुपए पे छूट मिल गई और अगले 2.5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा, बड़ा नॉमिनल सा 5%। और जो मेरा 30% टैक्स देना पड़ता मुझे क्योंकि मैं अपर स्लैब में था, उसकी मैंने प्लानिंग कर दी और अब मुझे उस पर सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ रहा है। आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? श्योर। तो इस तरह के बहुत इनकम टैक्स के अंदर प्लानिंग की जाने लगी, जो मैं आपको क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने प्रोविजंस इंसर्ट कर दिए। क्या अगर इस तरह की कोई भी आप प्लानिंग करते हो, जो कि हम क्लबिंग ऑफ इनकम में पढ़ेंगे, तो वो इनकम दो आपको दिख रही है कि मेरे पेरेंट्स की है, मैंने उनके हाथ में ट्रांसफर कर दी, ओनर उनको बना दिया, लेकिन वो इनकम मेरी मानी जाएगी। इस तरह के प्रोविजंस इनकम टैक्स में डाले गए हैं, दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम। ये एग्जांपल मुश्किल लगा, इससे अच्छा एग्जांपल देता हूँ और आपको। सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए का एक बेटा है, माइनर सन है। उन्होंने क्या किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी माइनर के नाम पर ट्रांसफर कर दी। अब माइनर के नाम पर अगर सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो रेंटल इनकम जो आ रही है वो आ किसको रही है? माइनर को आ रही है। तो टैक्स बनेगा किसका? माइनर का बनेगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में स्पेसिफिक प्रोविजन डाला गया कि अगर माइनर को किसी भी तरीके की इनकम होती है तो वो माइनर की इनकम नहीं जानी जाएगी, वो पेरेंट्स की इनकम मानी जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपनी इनकम का असेसमेंट हो, ऑफ द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, जिसके लिए वो असेसेबल है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम। और टू डिटरमाइन द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम, इनकम टैक्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स इतना बुरा भी नहीं है कि प्रॉफिट आया तो आपको टैक्स देना है और लॉस आया तो आपको कुछ नहीं। लॉस होने पे गवर्नमेंट आपको पैसा तो नहीं वापस देती कि ले बेटा तेरा लॉस हो गया तू हमसे टैक्स ले ले, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बेनिफिट देती है। क्या, सपोज मेरा इस साल बिजनेस लॉस हो गया 2 लाख रुपए का नेट में, तो होगा क्या, इस बिजनेस लॉस पे मुझे एक बेनिफिट मिलता है क्या कि अगले साल अगर मेरा 5 लाख का प्रॉफिट आता है तो मुझे 5 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जो पिछले साल का, मतलब इस साल का मेरा 2 लाख का लॉस है उसको मैं आपस में सेट ऑफ कर दूंगा और जो 3 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है सिर्फ मुझे उस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं मैंने अपनी लॉस की फिगर इन्फ्लेट तो नहीं कर दी, लॉस की फिगर ज़्यादा तो नहीं बताई ताकि अगले साल मैं सेट ऑफ कर सकूं। तो उस तरह का कोई भी लॉस का फिगर भी डिटरमाइन करने के लिए आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन शुरू किया गया है, या द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू हिम, कि कहीं रिफंड कम या ज़्यादा तो क्लेम नहीं किया गया। तो अगर किसी भी तरह का लीगल एक्शन शुरू किया गया, किस लिए लीगल एक्शन, पॉइंट नंबर ए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से रिलेटेड या कंप्यूटेशन ऑफ लॉस से रिलेटेड या रिफंड से रिलेटेड, किसी भी तरीके का कोई भी लीगल एक्शन शुरू हो गया, प्रोसीडिंग शुरू हो गई, तो आप असेसी की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। समझ में आई बात? और एक बात बताऊं, इसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करता है और नोटिस के अंदर ये स्पेसिफाई होना जरूरी है कि कौन से सेक्शन के अगेंस्ट आप पे कार्यवाही की जा रही है, आप पे लीगल एक्शन शुरू किया जा रहा है। अगर उस नोटिस के अंदर वो सेक्शन मेंशन नहीं है कि जिस सेक्शन के अगेंस्ट आपके पे प्रोसीडिंग शुरू की जा रही है, तो वो नोटिस इनवैलिड है, आप एसएससी की कैटेगरी के अंदर नहीं है। ये बात ध्यान रखना। चलो आगे, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन assessee under the provisions of deemed to be का मतलब क्या होता है? deemed to be का मतलब होता है मान लिया जाएगा, presume कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा या presumed पहले से हम मान लेंगे, मतलब हम मान लिया assessee तो है, यानी हमने मान लिया assessee। Let us take an example, एक trust है, trust के केस में जो trustee है उसको assessee माना जाता है, एक्ट में लिखा हुआ है। अब ट्रस्टी गए कि यार मैं क्यों इतना लिखा हुआ है ना, चुप एकदम। अगर एक्ट में लिख दिया गया कि इस केस में इसको असेसी बोला जाएगा तो वो असेसी है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आया? तो असेसी कौन है अभी तक जितना आपने पढ़ा, बताओ फटाफट। जो कोई भी टैक्स देना है, ठीक है, अच्छा कोई भी पर्सन है, सबसे पहले कोई भी टैक्स देना है या कोई भी सम ऑफ अमाउंट देना है, यस और नो। उसके बाद इंक्लूड्स कौन, जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग से शुरू हो गई है, यस और नो। तीन तरह की, कौन कौन सी बताओ? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की, कंप्यूटेशन ऑफ लॉस की या रिफंड की, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, जिसको डीम्ड मान लिया जाएगा, हाँ या ना। और तीसरा असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट मतलब असेसी इन डिफॉल्ट भी असेसी है, मतलब अगर कोई आपको रूल्स थी, कोई ड्यूटी लगाई थी इस एक्ट ने और आपने वो कंप्लाई नहीं करा तो आप कहलाते हो असेसी इन डिफॉल्ट। फेल टू कंप्लाई विद द ड्यूटीज इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। डॉक्टर है, उनको अपने एक पूरा रजिस्टर मेंटेन करना होता है मेडिसिन्स का, क्या अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से कि कितना स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, कितना कंज्यूम हुआ, कितना परचेज हुआ। डॉक्टर मेंटेन नहीं कर पाया, असेसी इन डिफॉल्ट है। कैश रजिस्टर मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन कर पाए। हम जैसे जैसे एक्ट में आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली पीजीबीपी जब हम करेंगे कि असेसीज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और अगर आप उन ड्यूटीज को कंप्लाई विद नहीं कर रहे हो तो आप क्या हो, असेसी इन डिफॉल्ट। ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो आपने असेसी पढ़ लिया पूरा का पूरा, होपफुली आपको याद भी हुआ कि असेसी है कौन एग्जैक्टली। मैंने आपको बोला था डेफिनेशन समझ आएगी, लेकिन बहुत अच्छी समझ में आएगी जब आप जैसे जैसे मेरे साथ इस एक्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, होपफुली आपके दिमाग में बैठ भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन और क्लियर होती चली जाएगी हमको। तो कोई भी पर्सन, कोई भी टैक्स, किसी भी तरह का सम, इंक्लूड्स, तीन चीज़ें डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। समझ में आ गया? चलो आगे, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। मैं आपको पहले समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो भी मेरी इनकम आई 2017-18 में, 2017-18 में मैंने जो भी इनकम जनरेट करी उस पे मुझे टैक्स पे करना होता है 2018-19 में। अभी आप मोटा मोटा ये समझो कि 2017-18 में मैंने जितनी भी इनकम जनरेट करी उस पर मुझे टैक्स पे करना होगा 18-19 में। तो जिस ईयर में टैक्स कंप्यूटेशन होगा, पे करना होगा, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर की इनकम निकाली जा रही है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यहाँ इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर नहीं है, यहाँ इंग्लिश वाला प्रीवियस ईयर मत समझना कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, नो। जैसे 2018-19 चल रहा है, तो अब 18-19 प्रीवियस ईयर में, प्लीज यहाँ प्रीवियस ईयर पिछला साल मत समझना, इंग्लिश का यूज मत करो, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, जिस ईयर का कंप्यूटेशन किया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर है। अब मेरा 18-19 ये चल रहा है, 18-19 में मैं जितना भी कमाऊंगा मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, कब, 2019-20 के अंदर देना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका असेसमेंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर होता है उसका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर होता है। असेसमेंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है और प्रीवियस ईयर में इनकम जनरेट हुई होती है। जिस ईयर में इनकम जनरेट हुई है उसको मैंने क्या नाम दिया, प्रीवियस ईयर, और अगले साल जब मुझे उस पर टैक्स देना है तो वो क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर। जैसे अब मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 2018-19 चल रहा है, तो 2018-19 असेसमेंट ईयर अगर है तो मुझे इसमें टैक्स पे करना है ऑन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2017-18, ठीक है। जो 2018 का प्रीवियस ईयर होगा, मतलब इसमें जितनी भी इनकम जनरेट हुई होगी उसमें टैक्स कब जाएगा, 2019-20 में। समझ में आ गया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। देसी भाषा में प्रीवियस ईयर क्या, ईयर ऑफ इनकम जनरेशन, ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या, ईयर इन विच टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, जिस ईयर में आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। समझ में आया शो। चलिए आप यहाँ पे देखें, अगर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। समझ में आया, जिस ईयर में आपकी इनकम जनरेट हुई उससे नेक्स्ट ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, सेक्शन 3 में डिफाइन है। मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो ईयर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। बट एग्जैक्टली है क्या वो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट से समझा दिया। होपफुली ये चारों डेफिनेशंस आपके दिमाग में क्लियर हैं, पर्सन, असेसी, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फटाफट रिवाइज करें, फास्ट शो। तो चलो आओ रिवाइज करते हैं इसको। बताओ पर्सन कौन था, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड कोई भी जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड। असेसी कौन था, कोई भी एनी पर्सन, कोई भी एनी टैक्स, एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट इंक्लूड्स 3 पॉइंट। फर्स्ट, कोई भी प्रोसीडिंग शुरू हुई है रिलेटेड टू कंप्यूटेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम, चाहे उससे रिलेटेड है, चाहे उससे कोई भी ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड है जिसकी इनकम उसके हाथ में चार्ज होगी, या कंप्यूटेशन ऑफ लॉस से रिलेटेड है, या रिफंड से रिलेटेड है, हाँ या ना। चलो उसके बाद अगर मैं याद करूँ क्या आ रहा है, बताओ, हाँ मुझे याद आ रहा है सेकेंड पॉइंट, कुछ कुछ याद करो। हाँ एक तो असेसी एंड डिफॉल्ट था, थर्ड वाला पॉइंट हमारा, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, डीम्ड वाला, जी हाँ, डीम्ड असेसी अगर है, डीम्ड असेसी जिसको मान लिया जाएगा कि भाई तू असेसी है, तेरे को असेसी रहना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो क्या था, वो हमारा नेक्स्ट था सर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। उसमें क्या था, प्रीवियस ईयर जिसमें इनकम जनरेट होती है, जिस ईयर की इनकम का टैक्स देना है उसको मैं नाम दूंगा प्रीवियस ईयर। कब देना है टैक्स सर, अगले साल देना होता है, तो जिस ईयर में उसका टैक्स देना होता है उसे क्या बोलेंगे, असेसमेंट ईयर, ठीक है। 2018-19 चल रहा है, तो ये 18-19 असेसमेंट ईयर जो है इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 17-18। और अगर 2018-19 खुद प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2019-20। और होपफुली आपको ये चारों वर्ड्स क्लियर हैं। अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। थैंक यू सो मच। इन्फॉर्म योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थम्स अप।